अब एक सवाल ये भी उठता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सारी जिंदगी शिर्क किया है और उसकी कॉर्निया तो लगवा रहे हैं, अब आप डोनेट नहीं करते हो। जो लोग बहुत ये चिल्लाते हैं कि साहब फतवा नहीं है, कहीं कुरान में नहीं है, कहीं हदीस में नहीं है, तो मैं उनसे पूछता हूँ ये लगवाने जो आ रहे हैं ये किस बिहास पे लगवाने जा रहे हैं? इन्हें लगवाने के लिए पहले मतलब हाँ, कुरान हदीस दे के दो ना, सबूत कहाँ लाओ। है कुरान में, कहाँ हदीस में लिखा लगवाने का। असल में आज से 1500 साल पहले तो ये सेवा होती ही नहीं थी। हम ज्वाइन करेंगे सरदार गुरबिंदर सिंह जी से, सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट के फाउंडर सेक्रेटरी, 20 से 25 सालों से आई डोनेशन के काम में है। अगर मैं बात करूं आज सरदार गुरबिंदर सिंह निर्मल जी की, तो इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर हम ये देख पा रहे थे कि एक शिकायत थी इनकी, और इनकी शिकायत ये थी कि मुसलमान बढ़ चढ़ करके इन कामों में हिस्सा नहीं लेते। यानी मुसलमानों की तो इन्होंने मदद करी, लेकिन जब बात आती है डोनेट करने की, किसी की मदद करने की, तो मुसलमान इन कामों में उतने हिस्सेदारी नहीं लेते हैं। तो टॉपिक साफ है ये सरदार गुरविंदर सिंह साहब हैं जो कि बहुत एक्टिव रहे फील्ड के जी। अंदर, तो कुछ एक्सपीरियंस उनके बीच के भी हो सकता है कि आप सुनना चाहें जो मुसलमानों के बीच के हैं। बिल्कुल और बिल्कुल एक जहां पर मैं मौजूद था, जहां आई डोनेशन अभी रिसेंट जो हमारे यहाँ हुआ और जहां आप कर रहे थे, आप लेके आए थे अपनी टीम को, टेक्निकल टीम को, तो वहां एक बात करते गए, वहां ऑपरेशन चल रहा था, आप बात करते गए और आपने कहा लोगों, वहां जो लोग मौजूद थे कहा हटो हटो बच्चों पीछे जाओ, ये बड़े पीछे जाओ, यहाँ कम लोग रहे, तो आपने कहा नहीं सबको आने दो, बच्चों को भी आने दो, शुरू से देखेंगे, तो एक जज्बा पैदा होगा। और फिर उसके बाद जो एक छोटी मोटी थी, यूं समझ लीजिए कि 5-7 या 10 मिनट तक की होगी, जो तकरीर की, मैं ऐसा लगा जैसे कोई मुसलमान आलिम बोल रहा है उन्हीं इस्तेलाहात के साथ में और सब के सदका जारिया है और सब ये तो ये आप क्या सोचते हैं वो, और आप मुसलमानों को क्या कहते रहे हैं? खाली एक यही नहीं कि ये बहुत ही एविडेंट बात थी कि मुसलमान देते नहीं, डोनेट करते नहीं अपने ऑर्गन्स आई के साथ में, और भी तो आप आई से ज्यादा अपनी जिंदगी लगा दी आपने आई डोनेशन के लिए, मुसलमान ऑर्गन्स देते नहीं, लेने के लिए मौजूद है। तो ये कोई अगर एक्सपीरियंसेस होंगे तो वो भी आप अगर सुनना चाहेंगे तो। हाँ, जैसे अल्लामा हमारे बोल रहे थे अभी, मैं लगभग 25 सालों से आई डोनेशन के लिए लगा हूँ। इस दरमियान हमने हजारों मुस्लिम लोगों को कॉर्निया दिया, लेकिन बदले में हमें कॉर्निया नहीं मिल पाता था। वही मेरा दिल में जो दर्द था, वो मेरा छलका था जब वो इंटरव्यू एक रामपुर में हुआ और उसके अंदर मैं बोला था। मेरा मकसद था कि मैं लोगों को किसी तरह झकझोरूं और मेरे उस झकझोरने से लोगों के अंदर जज्बा पैदा हो कि इस्लाम तो एक सलामती का मजहब है, तो वो कैसे इस नेक काम को, ऑर्गन डोनेशन को या ब्लड डोनेशन को मना कर सकता है। इसीलिए मेरे कई बार मेरी स्पीच में थोड़ी सी तुरसी भी आ जाती थी, क्योंकि मैंने लगातार इस कम्युनिटी को कॉर्निया दिया। तो अल्टीमेटली ये वर्क फाउंडेशन थी जिन लोगों ने हमारी पिछली मीटिंग में आकर वादा किया था कि वाकई आपकी बात सही है, जब कभी ऐसा कोई मौका आएगा तो हम भी इस काम के लिए आगे बढ़ेंगे। और इस बार दो ऐसे इंसिडेंट हुए, एक मुरादाबाद में वर्क फाउंडेशन के ही मेंबर थे जिन्होंने अपनी मदर का आई डोनेशन कराया, और दूसरा ये रामपुर में हुआ जिसमें अब्दुल्ला तारिक साहब शरीक रहे और इनके प्रयास से सारा काम हुआ। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि शायद इन चीजों से लोग इबरत हासिल करें और इस नेक काम में अपनी भागीदारी करें। और मुझे अब उम्मीद है कि एक बार जब मुस्लिम समुदाय इस काम के लिए आगे आ गया है तो अब ये रुकने वाला नहीं है, और लोग भी आएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सब लोग भारतीय हैं, हम सब इंसान हैं
और एक इंसान होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम से इंसानियत को फैज पहुंचे, और जो नाबीना होना है वो एक बीमारी है, और आपके यहाँ धार्मिक एतबार से बीमारी का इलाज कराना सुन्नत है, उसके अंदर भागीदारी करना भी सुन्नत है। तो इस तरह से अगर मुस्लिम समाज भी कॉर्निया डोनेट करने लगे तो भारत के जो 40 लाख कॉर्नियल ब्लाइंड हैं उन्हें बहुत जल्दी कॉर्निया मिल जाएगी, और हमारे भारत में कोई भी व्यक्ति कॉर्नियल अंधत्व से ग्रस्त नहीं रहेगा, अर्थात जितनी भी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है वो दूर हो जाएगी। श्रीलंका बहुत छोटा सा कंट्री है लेकिन वहां पर 100% आई डोनेशन होता है, इसके कारण वहां पर जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है वो जीरो है, इरेडिकेट कर दी गई है। तो बस यही हमारी उम्मीद थी और एक आशा की किरण हमें दिखाई दे रही है। वर्क फाउंडेशन की जो टीम है उसके प्रयासों से, और अल्लामा हमारे जो हैं तारिक साहब बहुत ही ज्यादा इसमें लगे हुए हैं, तो बहुत जल्दी हम लोग इस परेशानी जो थी हमारी इसे ओवरकम कर जाएंगे और हमारे भारत में भी कोई कॉर्नियल ब्लाइंड नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस ताल्लुक से जो अभी सरदार गोविंदर सिंह साहब ने फरमाया, आपने बताया 25 साल से लगे हैं, ये 25 साल से कुछ और पहले की बात है। यहाँ पर रामपुर में एक समाजी सोशल वर्कर हैं सतीश भाटिया, उन्होंने यहाँ रामपुर आई हॉस्पिटल भी है रामपुर में, तो उससे के हवाले से उनके डॉक्टर को भी बुलाया था, तो और उन्होंने वहाँ आके वहाँ वक्त के लोग थे, तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि असल में जलसा तो कुछ और था प्रोग्राम, और उसमें उन्होंने खड़े होकर ये बात की कि यहाँ ये डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं आई हॉस्पिटल के, और मुसलमान वही बात जो भी आपके सामने आई थी कि मुसलमान आई डोनेट नहीं करते, लेते हैं, रिसिपियंट्स तो हैं। तो नेक्स्ट डे हमने उस वक्त जो हमारे वर्क के रामपुर में मेंबर्स थे उसमें लेडीज भी थी, 12-13 लेडीज थी, तो 63 का आई डोनेशन फॉर्म भरवा कर भेजे थे हमने। अब फॉर्म भरने से तो नहीं कहीं डोनेशन हो जाता, बात तो ये है कि भाई आप अमल करिए, कोई होना चाहिए ना, उस 25 साल में एक भी नहीं हुआ। मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ, यानी कि हम कमिटेड हैं इस कॉज के लिए, हमारे सारे वर्कर्स भी कमिटेड हैं, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी ऑल इंडिया और हो सकता है कि अब्रॉड भी जितने हैं उन सब में मिलाकर सबसे ज्यादा एजेड मैं हूँ, आई एम 71+। तो इसमें अब हम दूसरे लोगों से कहें, और मुस्लिम समाज में जैसा बताया उस पर तो हम भी बात करेंगे, आप सवाल पूछेंगे या उस जवाब देंगे, कि एक आम तस्वुर कम से कम या हिंदुस्तान में यही है कि ये हराम है, ये गुनाह है, ये नहीं कर सकते, तो हम दूसरों से कह नहीं सकते थे। अभी मैं सबसे ज्यादा एजेड हूं, अब ये इससे पहले एक एक्सीडेंटल डेथ हुई थी, उनके घर वाले जितने थे वर्क के थे लेकिन उनके घर वाले सब जो हैं वो कुछ हमारे कॉज से सहमत नहीं थे। बात को तो घर वालों के हाथ में होता है ना कि वो अलाउ करें या नहीं करें, तो इसलिए उसके उस वक्त में भी हम कुछ नहीं कर सके। लेकिन फिर ये अभी जो आपने तस्करा किया कि वो उन्होंने मतलूब मुरादाबाद में, मुरादाबाद के हेड हमारे यूपी वेस्ट के हेड हैं मतलूब साहब, उन्होंने शुरू किया ये, और उसके कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर एक हमारे वो यंग अली की 46 ईयर्स का उनका इंतकाल हुआ, तो फिर मैंने तो अब तो अब इसमें मतलब वैसे नेचुरल एज के हिसाब से सबसे पहले तो मुझे जाना है हमारे सारे वर्कर्स में, तो उस मैंने तो अपने सारे बॉडी पार्ट्स डोनेट किए हुए हैं और उस पर अमल होगा इंशाल्लाह, तब घर वालों को खूब मालूम है बहुत अच्छे तरीके से और सब बिल्कुल सेटिस्फाइड और मुतमईन है। तो लेकिन बाकी सब लोग जो हैं अब यही है ना कि अपने वक्त के हिसाब से जो लोग कहीं पर वर्क के कोई लोग अगर ऐसा है कि दुनिया से जाते हैं जो लोग, तो तब जरूर होगा इंशाल्लाह आई डोनेशन। और जैसा कि आपने कहा कि अब बात चल रही है, इस वक्त एक टॉपिक छिड़ा हुआ है यहाँ शहर हमारे रामपुर में छिड़ा हुआ है टॉपिक कि ये तो इन्होंने बड़ा गलत किया और ये हराम काम है और ये क्या कर रहे हैं और उलमा के खिलाफ जा रहे हैं, तो एक कम अज कम डिबेट शुरू हुई ना, बात शुरू हुई, डिस्कशन शुरू हुआ, एक अमल हो गया, इंशाल्लाह बहुत निकलेंगे, इसलिए कि ये तो लोग कुछ कह रहे हैं
जिनकी आवाजें कानों में पड़ रही हैं, जो सहमत हैं, अभी उनकी नहीं आ रही और बहुत होंगे, तो फिर अब इससे दूसरे भी इंस्पायर होंगे। लेकिन मिसाल तो हमें पेश करनी थी ना, हम दूसरों से पहले कहना शुरू कर दें, इसलिए 25 साल लग गए। हमारी जज्बे के हिसाब से तो हम तभी शुरू कर दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सरदार गुरविंदर सिंह जी की तरफ से जो बातें रखी गई, बिल्कुल जायज बातें हैं और मुसलमानों को इस पर गौर और फिक्र करने की भी जरूरत है, इसलिए ये शो है। और अल्लामा साहब ने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, मैंने जहां तक के सुन रखा है 3 महीनों में 2 आई डोनेशन करवाई हैं वर्क ने। लेकिन ये है कि टॉपिक यही है कि भाई मुसलमान क्यों नहीं हिस्सा लेते, ऐसा डर, या और ये डर बहुत नॉर्मल है, बहुत लॉजिकल है, क्योंकि एक आम इंसान। जी मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब हम लोगों ने ये सेवा शुरू की तो हमारा एक स्लोगन था, जीते जीते रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान। और हम लोग ब्लड डोनेशन के कैंप लगाया करते थे, तब हमारे मुस्लिम भाई ब्लड डोनेशन के लिए भी आगे नहीं आते थे। लेकिन क्योंकि ब्लड डोनेशन लाइफ सेविंग होती है और उनका कोई अपना डियर एंड नियर वन डेथ बेड पे होता है, उन्हें किसी कीमत में भी ब्लड चाहिए होता है, उसके लिए भागदौड़ कर रहे होते हैं, और सरकार ने एक नियम बना दिया कि ब्लड तो आपको रेयर से रेयर ग्रुप का मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि एक यूनिट आपको भी देना पड़ेगा उसके बदले में। तो फिर पहले शुरू में नहीं दिया, लेकिन बाद में देना शुरू किया, और जब खून देना शुरू किया तो जितना खून देते हैं वो बन जाता है, तभी 3 महीने के अंदर अंदर एक आदमी दोबारा से भी खून दे सकता है। और इसके बारे में जो दुनिया भर के फतवे थे वो पीछे रह गए, और आज हमारे मोमिन भाई भी ब्लड डोनेशन करते हैं, तो इस सेवा के लिए आगे आए हैं। अभी ये जो भ्रम टूट जाएगा आई डोनेशन का, आई डोनेशन में सबसे बड़ा भ्रम ये था कि शायद पूरी आंख निकाल ली जाती है, आंख का गोला निकाल लिया जाता है। अब देखा है हमने, इसीलिए कहा था सब लोग अपनी आंखों से देखें, सिर्फ आंख के सबसे अगला हिस्सा जो मेरी आंख में आपको दिखाई दे रहा है, ये आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ये कार्निया कहलाती है। जैसे प्याज का छिलका उतार लिया जाए, ऐसे ही एक गोल कट लगा के इससे प्याज का छिलके की तरह से उसे निकाल लिया जाता है, और उसकी जगह एक आर्टिफिशियल कॉर्निया तुरंत लगा दी जाती है। तो किसी प्रकार का वहां पर कोई गड्ढा नहीं बनता, वहां पर डिफॉर्मिटी नहीं आती, किसी प्रकार का खून वगैरह नहीं होता, ऑपरेशन थिएटर जाने की जरूरत नहीं होती, मृतक के घर पर ही होता है। और ये काम इसीलिए हमने सबको दिखाया, पब्लिक किया, जब से हम पब्लिक कर रहे हैं इस काम को, पब्लिक के सामने करते हैं, तो लोगों को समझ में आता है कि भाई इतनी सी खाल, जैसे मेरी ये जिल्द है हाथ की, यहाँ पे हथेली के ऊपर, ऐसी ये मेरी आंख की जिल्द है, बस शर्त ये इसे अल्लाह ताला ने ट्रांसपेरेंट बनाया है, जिसके अंदर से प्रकाश की किरणें चली जाती हैं और जो हम देख रहे हैं दृश्य, वो इसके अंदर से जाके हमारी रेटिना के ऊपर अंकित हो जाता है। तो इतना सा ये है कि जिल्द निकाल रहे हैं और जिल्द की जगह आर्टिफिशियल लगा दे रहे हैं, किसी ऑपरेशन थिएटर में जाने की जरूरत नहीं, कोई हमारे जो अभी एक हमारे पास खबर आई थी कि इतने बजे गुस्ल होना है, उससे पहले पहले आप ये आई डोनेशन करा दें, ये आपके रामपुर के लोग बताएंगे कि हम इतने फास्ट मोड में गए यहाँ से कि वहां से 1.5 घंटे में हम रामपुर पहुंचे और 1 घंटे के अंदर हमने सूचना मिलने के बाद वो कॉर्निया हमने रिट्रीव कर ली। तो हमें खुद फिक्र होती है कि भाई किसी चीज में डिले नहीं होना चाहिए, तो ना तो किसी फ्यूनरल में डिले हुआ, ना किसी हॉस्टल में, ना किसी और काम में। इस तरह से हम लोग इस सेवा को कर रहे हैं। इस सेवा में आपने अब इस माध्यम से ये आज ये जो ब्रॉडकास्ट होगा, इन लोगों के उनकी भ्रांतियां टूटेंगी, लोगों के मन में जो शक शुबा है वो निकल जाएंगे। और मैं तो उलमाओं से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो इसको देखें, इसका मुताला करें। ये इसमें तो मौलाना मौदूदी ने भी अपने जाते जाते इसको जायज करार दिया था और इसको एक तरह से लीगल कर दिया था किताबों में। पाकिस्तान में आप देखिए तमाम लोग ऐसे हुए हैं, और ईदी बाबा के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, उन्होंने अपना कॉर्निया भी डोनेट किया था और बॉडी डोनेट भी करके गए थे, हालांकि बॉडी डोनेशन हो नहीं पाया था, लेकिन कॉर्निया का डोनेशन उनका हो गया था। तो उन्होंने तो तमाम लोगों की डेड बॉडीज का संस्कार किया, और ऐसे लोगों को जो कोई हाथ नहीं लगाता था, ऐसे व्यक्ति ने उस काम को किया, और वो भी कह के गया कि भाई अंग दान और आई डोनेशन होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे उलमाओं को भी समझ में आ रही है,
और उन्हें समझना चाहिए और नेकी का काम है ये। जब आप लगवा सकते हो तो जिस वक्त आप लगवाने जाते हो तब भी जो अल्लाह मियाँ के यहाँ का दिया हुआ कॉर्निया होता है सबसे पहले उसको निकाला जाता है, क्योंकि वो खराब हो चुका होता है, उसको निकालते हैं तब उसकी जगह पे किसी और मतलब व्यक्ति का लगाते हैं। अब एक सवाल ये भी उठता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सारी जिंदगी शिर्क किया है और उसकी कॉर्निया तो लगवा रहे हैं, अब आप डोनेट नहीं करते हो। जो लोग बहुत ये चिल्लाते हैं कि साहब फतवा नहीं है, कहीं कुरान में नहीं है, कहीं हदीस में नहीं है, तो मैं उनसे पूछता हूँ ये लगवाने जो आ रहे हैं ये किस बिहास पे लगवाने जा रहे हैं, इन्हें लगवाने के लिए पहले मतलब दे दो ना, कहाँ है कुरान में, कहाँ हदीस में लिखा लगवाने का। असल में आज से 1500 साल पहले तो ये सेवा होती ही नहीं थी, अगर ये सेवा होती होती तो हुजूर फरमा देते उसे कि भाई ये इस तरह से है, मसला ये है, ऐसे ऐसे होगा। उस समय ये सेवा नहीं होती थी, ये नई सेवा है। अब उस समय ऊंट पे जाया करते थे लोग हज करने के लिए, आज जहाज पे जा रहे हैं। जो तरक्की हो गई है वो उस तरक्की को मानना चाहिए, साइंस की तरक्की है ये। तो बस मेरी गुजारिश इतनी है कि सिर्फ ये समझें कि मानव को मानव की कॉर्निया मिलनी है, किसी जानवर की लग नहीं सकती, किसी लेबोरेटरी में बनी नहीं आज तक, तो मानव को मानव की कॉर्निया लगनी है, इसके लिए लोगों को इंसानियत की सेवा के लिए आना चाहिए।